नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्फो अकेडमी। इस चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस सेवा से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके बारे में अवगत कराते रहेंगे और साथ ही जब जब सरकारी नौकरियां निकलेंगी उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इसलिए आपसे हमारी विनती है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इसके साथ साथ आपको यह भी विनती है कि यदि आपने हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिफेंस सिविलियन स्टाफ के म्यूचुअल ट्रांसफर नियम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर नियम को समझने से पहले यह समझना अति आवश्यक होगा कि छठे पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार कॉमन डेजिग्नेशन MTS यानी बहुउद्देश्य कार्य वाले पद कौन कौन से हैं। कॉमन डेजिग्नेशन वाले पद इस प्रकार से हैं: चौकीदार, सफाई वाला, माली, दफ्तरी, चपड़ासी, हेड मैसेंजर, मैसेंजर, हेड फीमेल सर्चर, सफाई वाली, अटेंडेंट, रेंज चौकीदार, बुक बाइंडर, वॉचमैन आदि सभी पद कॉमन डेजिग्नेशन यानी MTS के अंतर्गत आते हैं। हम यहाँ यह बताना भी उचित समझेंगे कि कॉमन डेजिग्नेशन यानी MTS ट्रेड वाले कर्मचारी से उपरोक्त सभी ट्रेड का कार्य करवाया जा सकता है, या यूं कहें कि सफाई वाले की अटेंडेंट के साथ, रेंज चौकीदार की, बुक बाइंडर या वॉचमैन आदि सभी पदों के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर संभव हो सकती है। इस संबंध में आर्मी मुख्यालय की मैनपावर शाखा 4 द्वारा अपने पत्र दिनांक 9 जुलाई 2018 के तहत इन कॉमन डेजिग्नेशन वाले पदों की ट्रांसफर से संबंधित क्लैरिफिकेशन दे रखी है। इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से जितने भी उपरोक्त सभी पद बताए गए हैं सभी की कॉमन डेजिग्नेशन वाले डिफेंस सिविलियंस एम्प्लाइज की आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकती है, या यूं कहें कि चौकीदार, सफाई वाला, माली, दफ्तरी, चपड़ासी, हेड मैसेंजर, हेड फीमेल सर्चर, सफाई वाली, अटेंडेंट, रेंज चौकीदार, बुक बाइंडर, वॉचमैन आदि की MTS के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर संभव है। एक स्टेशन पर किसी भी कर्मचारी का पोस्टिंग का समय नॉर्मली 5 वर्ष का होता है और हार्ड स्टेशन पर 3 वर्ष का पोस्टिंग टेन्योर रहता है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए किसी भी स्टेशन पर तय समय के आधे पूरे होने पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आधे जब तक किसी स्टेशन पर निर्धारित समय का आधा समय व्यतीत नहीं होता तब तक म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफर भी आर्मी आदेश संख्या 22/2001 के तहत संभव हो पाते हैं। इस आर्मी आदेश में म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए यह लिखा हुआ है कि म्यूचुअल ट्रांसफर सेम ग्रेड सेम डेजिग्नेशन की संभव हो पाती है, लेकिन आर्मी मुख्यालय ने जुलाई 2018 में क्लैरिफिकेशन जारी कर यह क्लियर कर दिया है कि कॉमन डेजिग्नेशन वाले सभी डिफेंस सिविलियंस एम्प्लाइज की म्यूचुअल ट्रांसफर आपस में संभव हो पाती है, या यूं कहें कि MTS के साथ MTS कॉमन डेजिग्नेशन है और MTS के साथ सभी चौकीदार, सफाई वाला, माली, दफ्तरी, चपड़ासी, हेड मैसेंजर, हेड फीमेल सर्चर, सफाई वाली, अटेंडेंट, रेंज चौकीदार, बुक बाइंडर, वॉचमैन आदि की ट्रांसफर संभव हो पाती है। उपरोक्त कॉमन डेजिग्नेशन के अतिरिक्त बहुत से अन्य पद ऐसे भी हैं जिनकी म्यूचुअल ट्रांसफर सेम ट्रेड में ही सेम ग्रेड में ही संभव हो पाती है। इस प्रकार के पद इस प्रकार से हैं, जैसे LDC की LDC से म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकती है, कुक के ट्रेड से म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकती है, ट्रेडमैन मेट की ट्रेडमैन मेट से, मजदूर से या लश्कर से संभव हो पाती है, फायरमैन की फायरमैन से, CMTD ड्राइवर की CMTD ड्राइवर से संभव हो पाती है, धोबी की धोबी से ट्रांसफर हो सकती है, बारबर की बारबर से हो सकती है, वेटर तथा वॉशरअप की मेस स्टाफ से और आया व वार्ड सहायिका की आया व वार्ड सहायिका से म्यूचुअल ट्रांसफर संभव हो पाती है। इन सभी ट्रेडों की म्यूचुअल ट्रांसफर सेम ट्रेड में ही संभव हो पाती है। और म्यूचुअल ट्रांसफर में हम आपको यहाँ यह भी बताना उचित समझेंगे कि
कि इन सभी का ग्रेड पे भी सेम होना चाहिए, तभी म्यूचुअल ट्रांसफर संभव हो पाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इस वीडियो के साथ साथ आपसे यह विनती है कि आपने अभी तक यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि इससे संबंधित यानी जो 9 जुलाई 2018 का पत्र है आप चाहते हैं तो कृपया हमारी इन्फो अकेडमी के जीमेल पर रिक्वेस्ट भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।